हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्रोवाइडर। अभी हम आपको 2 BHK का फ्लैट दिखाने के लिए आए हैं जो कि रामकृष्णा नगर में है, ज्योतिषवा पथ के जस्ट बगल में ये आपका पड़ रहा है। और पटना जंक्शन की बात कीजिएगा तो यहाँ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो क्लास तक बने रहे ताकि आपको फ्लैट की पूरी जानकारी मिल सके। ये देखिए, ये मेन एंट्रेंस गेट हो गया। अभी हम आपको पार्किंग से लेकर कॉरिडोर से लेकर सारा चीजें दिखाएंगे। ये देखिए, ये आपका ड्राइंग हॉल का एरिया हो गया। ड्राइंग हॉल की साइज की बात करें तो 14.5 बाई आपका 10.5 का ड्राइंग हॉल है। ये देखिए, ये आपका ड्राइंग हॉल की चौड़ाई हो गई। डाइनिंग और ड्राइंग एल शेप में है और ये आपका डाइनिंग हॉल का स्पेस हो गया। डाइनिंग हॉल के साथ अटैच आपका बालकोनी है। ये देखिए, ये आपका ड्राइंग हॉल का एरिया। एक बार हम फिर से आपकी इस लोकेशन से दिखा रहे हैं। 1090 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये 2 BHK का फ्लैट है, बिल्कुल ही स्पेसियस और लाइटेड है। ये देखिए, ये बालकोनी का एरिया है। बालकोनी के साइज की बात कीजिएगा तो लगभग 8x4 का बालकोनी है आपका। ये 100% रेडी टू मूव है, बन के कंप्लीट है, लोग रह रहे हैं। 2 ब्लॉकों सोसाइटी है। G+6 का बिल्डिंग है जिसमें कि आपका 3rd फ्लोर पे ईस्ट फेसिंग है फ्लैट। और ये देखिए, अगल बगल का एरिया जो हम दिखा रहे हैं 100% रेसिडेंशियल एरिया है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। VIP कॉलोनी में ये आपका फ्लैट है, बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन पे है। बाईपास की बात करेंगे तो मात्र यहां से मीठापुर बाईपास 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे होने जा रही है। ये देखिए, ये आपका किचन का एरिया है। किचन की साइज की बात करेंगे तो 10x6 का आपका किचन है। बिल्कुल ही स्पेशियस किचन है। यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन के लिए भी पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी फ्रिज के लिए आपका पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे आप फ्रिज रख सकते हैं। बालकोनी में आपका वॉशिंग मशीन का पॉइंट दिया हुआ है। और ये देखिए, ये आपका कॉमन टॉयलेट का एरिया हो गया। ये आपका कॉमन टॉयलेट का एरिया हो गया। 8x5 का आपका टॉयलेट है, बिल्कुल ही स्पेशियस टॉयलेट है आपका। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमेशा प्लॉट और फ्लैट की वीडियो मिलता रहे। और ये देखिए, ये आपका पहला बेडरूम हो गया। ये आपको अनवीरा रखने के लिए जगह बना हुआ है। बारह बाई दस का ये रूम है, लाइटेड और हवादार फ्लैट है। ये देखिए, विंडो वगैरह सारा दिया हुआ है। और इस बेडरूम के साथ अटैच एक बाथरूम है। ये आपका बाथरूम का एरिया हो गया। अप्रोक्सीमेट 8x5 का ये बाथरूम है। और ये आपका दूसरा बेडरूम हो गया। इस रूम के साथ देखिए, ये आपका बालकोनी का एरिया हो गया। इस बालकोनी की साइज की बात कीजिएगा तो 10x5 का बालकोनी है, बिल्कुल ही स्पेसियस बड़ा बालकोनी है आपका।
दोनों बालकोनी में वॉशिंग मशीन का पॉइंट लिया हुआ है ऑलरेडी। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, अभी हम आपको पार्किंग से लेकर कॉरिडोर सारा एरिया दिखाने जा रहे हैं। और ये देखिए ये आपका पूजा रूम का एरिया हो गया। ये आपका पूजा रूम का एरिया हो गया। अभी जस्ट आपको कॉरिडोर और पार्किंग से लेके मंदिर का सारा एरिया भी आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए कॉरिडोर का एरिया हो गया, एक लिफ्ट यहां पे है, ये सीढ़ी हो गया और ये कॉरिडोर का स्पेस हो गया। एक लिफ्ट और सीढ़ी आपका उस तरफ है, यानी कि बिल्डिंग में दो लिफ्ट और दो सीढ़ी है। अभी हम आपको पार्किंग में जाके ये पूरा एरिया दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए ये पार्किंग का एरिया है, एक लिफ्ट आपका यहाँ हो गया, जस्ट बगल में सीढ़ी हो गया। ये बी ब्लॉक का पार्किंग है, ये सारा आपका पार्किंग का स्पेस है। रेडी टू मूव फ्लैट है, सारे लोग रह रहे हैं, बिल्कुल न्यू फ्लैट है, अभी जस्ट हैंडओवर हुआ है। रजिस्ट्री हो गई है फ्लैट में, तो इस फ्लैट में आपको जीएसटी नहीं लगेगा। ये देखिए 15 फीट चौड़ा कॉरिडोर है आपका, जो ड्राइववे हो गया और उसके बगल में पूरा ग्रीन एरिया बना हुआ है। ये पूरा का पूरा स्पेस पार्किंग का स्पेस है। एक लिफ्ट यहाँ पे लग रही है, देखिए मटेरियल सारा रखा हुआ है, लिफ्ट का काम चल रही है। ये आपका सीढ़ी का एरिया हो गया, दूसरा सीढ़ी का एरिया था। और ये देखिए पूरा का पूरा स्पेस बी ब्लॉक पार्किंग का स्पेस है। बिल्डिंग के चारों तरफ आपका 15 फीट का ड्राइववे छोड़ा हुआ है, ये देखिए। और साथ में साइड में आपका ग्रीन एरिया पूरा बनाया हुआ है। ये देखिए आपका चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो क्लास तक बने रहें। ये देखिए ये प्रोजेक्ट का फ्रंट व्यू है, मेन एंट्रेंस गेट हो गया, यहां से आप एंट्री कर रहे हैं। सामने में 40 फीट का आपका रोड है। ये मंदिर बन रही है, कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मंदिर का चल रहा है, यहाँ पे मंदिर बन रहा है। ये गार्ड रूम हो गया और ये जो पूरा एरिया आप आगे सामने में देख रहे हैं वैकेंट एरिया है, ये पूरा ग्रीन एरिया है। ये ए ब्लॉक हो गया सामने, देखिए यहाँ पे 20 फीट का आपका ड्राइव इस साइड छोड़ा हुआ है, 15 फीट का एक तरफ छोड़ा हुआ है। तो जिनको भी ये फ्लैट परचेज करना है, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे एक बार कॉल कीजिए, साइट विजिट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।